हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। ये मैंने ब्लाउज पीस का बचा हुआ कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई 8 इंच है और लंबाई 12.5 इंच है। इस कपड़े को बीच से फोल्ड कर लेंगे। लंबाई में फोल्ड करना है और इसके कोने पे हल्की सी गोलाई देना। गोलाई देने के बाद कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हो गई है। अब इसी कपड़े के नाप का हमें एक और कपड़ा लेना है अंदर लगाने के लिए। ब्लाउज पीस वाले कपड़े को हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे कि जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रहे। और एक मैंने यहाँ पर शॉपिंग बैग लिया है, इसकी जगह आप बुकरम भी ले सकते हैं। अब तीनों को एक साथ हमें सिलना है, तो नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा खुला रखना है जिसे हम इसे सीधा कर सकें। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग करने के बाद गोलाई में हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे और जो खुली जगह हमने छोड़ी थी उसमें से सीधा करेंगे। दोनों कपड़ों के बीच में से हमें इसे सीधा करना है, तो जो कैरी बैग है वो बीच में आ जाएगा। ये देखिए सीधा हो गया। अब जो खुली हुई जगह है उसको भी सिल लेंगे और चारों साइड से टॉप स्टिच चला लेंगे। एक और छोटा सा पीस हमें लेना है। इसकी लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई भी 8 इंच है। 8x8 का स्क्वायर पीस हमें लेना है। अब इसी नाप का एक और कपड़ा लेंगे और उसी तरीके से हमें रखना है। नीचे कैरी बैग, बीच में कपड़ा और ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे और इसमें भी हमें थोड़ा सा खुला रखना है, बाकी सिलाई करेंगे। इसके कॉर्नर की मैंने हल्की सी कटिंग कर ली है। अब देखिए दोनों कपड़ों के बीच में से इसे हम निकाल लेंगे, सीधा कर लेंगे और कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। जो खुली जगह है उसकी हम सिलाई कर लेंगे। अब दोनों पीस रेडी हो गए हैं। इन्हीं दोनों पीस को मिलाकर हमें बैग बनाना है। तो जो स्क्वायर पीस है 8x8 का, उसे बीच से हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब देखिए जो इधर कपड़े की सीधी साइड है उसके ऊपर इसकी भी सीधी साइड को रखना है और दोनों साइड से करीब 1/2 इंच छोड़ दीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करनी है। देखिए हमने सिलाई कर ली है, एक पॉकेट बन गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करना है। इस तरह से हमारा बैग बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे और बाकी दोनों पर सिलाई कर लेंगे, दोनों किनारों पर। अब देखिए दोनों किनारों की सिलाई हो गई है। देखिए अंदर भी एक पॉकेट बन गई और अब जो ऊपर वाला भाग है उससे भी हम इस तरीके से सिलेंगे। दोनों को एक साथ मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो अब देखिए अब 3 पॉकेट बन गई है। ऊपर वाला अलग हो गया, अंदर वाला अलग हो गया और जो बीच में हमने सिलाई की थी वो एक अलग पॉकेट बन गई है। 1, 2, 3 तीन पॉकेट बन गई है। अब इसमें हमें बटन लगाना है। अब बटन की जगह आप वेलक्रो भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह का जो मैग्नेटिक बटन आता है वो भी आप लगा सकते हैं। तो इसे कपड़े को थोड़ा सा कट करके लगाना होता है और ऊपर आप कोई भी शो बटन लगा सकते हैं जिसे पर्स दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो ये देखिए हमारा सुंदर सा पर्स बनकर तैयार हो गया है। इसमें 3 पॉकेट है और बनाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।